कल मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। बहुत बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रही थी। सो फाइनली वो दिन आ गया है। प्रिंसेस बनी हो क्या? नहीं, एटलांटा बनी हूँ। आई रोज तूफान आता मेरे ड्यूटी आने के लिए। इतना तुम बड़े खुश हो रहे हो? नहीं सर, जो चल दी। हाँ, क्या बनी है आप? मैं बनी हूँ पापी। और तुम क्या बनी हो? कहाँ चल दी? हाँ, प्रिंसेस बनी हो क्या? नहीं, एटलांटा बनी हूँ। अच्छा, एटलांटा कौन है? वो एक लड़की है जिनकी डॉटर है, जिनको डॉटर चाहिए था तो उसको आप जंगल में छोड़ दिया। अब वो पैरेंट्स के साथ रहती है, बहुत तेज है और रनिंग तो बहुत फास्ट करती है, इसलिए फिर वो घर आई प्रिंसेस बनके। अच्छा, किंग को लड़की नहीं चाहिए थी तो उसने जंगल में छोड़ दिया उसको। और वहाँ पे उसको मिली एक मम्मी बैर और एक बेबी बैर, उसने उसका ध्यान रखा। तो आराध्या बनी है एटलांटा जो कि जंगल में रहती है, एक लड़की, वो प्रिंसेस ही है। प्रिंसेस ही है। हाँ, और ये बनी है बार्बी गर्ल। आई एम बार्बी गर्ल इन द बार्बी वर्ल्ड। आई एम डांसिंग, यू कैन पुश माय हैंड। आई एम ऑन अ समर स्टे डे, आई एम अ कैट सैड सैड। आई एम अ स्टिक। मम्मी मम्मी, ये बार्बी सॉन्ग का रशियन वर्जन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिम्बा ब्लॉग्स। तो गाइस, अभी थोड़ा मेरा गला ख़राब हो गया है, थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, इसी वजह से आवाज़ ख़राब हो गई है थोड़ी सी। तो तबीयत डाउन है लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, अभी बच्चे और स्कूल चले गए हैं, मैंने थोड़ी सी घर में आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रखा है। कल मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, कल माता लक्ष्मी का मैं उद्यापन कर रही हूँ। तो कल उद्यापन है माता लक्ष्मी का। मैं बहुत 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 बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। सो फाइनली वो दिन आ गया है, फ्राइडे कल है, और कल उद्यापन कर रही हूँ मैं लक्ष्मी माता का। मैं वो लक्ष्मी व्रत करती थी तो उसी का उद्यापन है, तो उसी की बस सब तैयारियों में लगी हूँ। और तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो गई है उसी में। और मेरा तो फिर वो कल का जो ब्लॉग रहेगा बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि वो दिन ही मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सो आप लोग कल का वीडियो ज़रूर देखना, उद्यापन वाला फुल वीडियो में डालूँगी। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में थोड़ी सी मैं बिज़ी हूँ, इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रही। और तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, कोल्ड कफ ये भी हो गया है और थोड़ा सा बिज़ी। और बच्चों का मेरे टेस्ट भी चल रहा है तो इस वजह से भी ना, मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। बच्चों को भी ध्यान देना पड़ता है, पढ़ने उड़ने के लिए बिठाना पड़ता है, सारी चीज़ें। तो आजकल बस यही सब चल रहा है। और अभी उनके आने का भी टाइम हो गया है तो मैंने फटाफट से सब काम वाम किया, सब क्लीनिंग वगैरह। थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है जब कुछ खास होता है तो, कहना फेस देख के लग रहा होगा इससे मैं कितनी थक गई हूँ और एकदम से थकान हो गई है। और तबीयत भी जब डाउन रहती है तो और ज़्यादा लगता है थोड़ा सा। तो बस आप लोग कल का वीडियो ज़रूर देखना। सो गाइस, अभी शाम हो चुकी है और मैं जाने वाली हूँ, कुछ सामान लेना है पूजा से रिलेटेड और भी कुछ कुछ है चीज़ें, तो वो मैं जा रही हूँ लेने के लिए अभी, क्योंकि शाम को ही पॉसिबल होता है, ऑफिस वगैरह से आने के बाद ही हम जाते हैं कहीं पे भी। तो वही सब चीज़ें मैं जा रही हूँ लेने अभी। तो फिर और अभी काफ़ी रात हो चुकी है, 9 बज गया है, तो अभी जाऊंगी, वही लेके आऊंगी सारी चीज़ें, क्योंकि आज ही सारे कुछ अरेंजमेंट करने हैं, कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। और क्या लाई हो? कुछ लाई हो? प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट। तो आराध्या का ये प्रोजेक्ट है, अपने से बनाया है, ये क्ले से बनाया है। नाइस ना? वेरी नाइस। तो कैसा है ये, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ये किस चीज का है? रूट्स है, स्ट्रीम लीफ, वो है ना, प्लांट, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हाँ, जैसे यहाँ पे रूट्स है, फ्लावर है, फ्लावर्स है,
स्टेम लीफ वो सारी चीजें तो कैसा ये आइडिया ये क्ले से प्लेट पे बनाया इसने पेपर प्लेट पे ऐसे हाथ से दबाओ मत चीजें वो खराब हो जाएगी और मैंने क्या लिया ना ये सब जो बनानी है डिजाइन लीव्स और इस फ्लावर पे मैंने पेंसिल से लेकर किया कि थोड़ा अच्छा लगे अब भी ग्रीन कलर इसी चीज में खत्म हो गया ठीक है वेरी नाइस तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसा है ये और अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर में जाएंगे हम सो गाइज कल का वीडियो हमारा आप लोग देखना मत भूलना कल बहुत बड़ा दिन है कल हमारे लिए और अक्षय तृतीया भी है तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं और कल अक्षय तृतीया भी है ना कल फ्राइडे को और हमारे यहाँ कल पूजा भी है तो हमारा कल का ब्लॉग स्पेशल है अच्छा है तो आप लोग जरूर देखना उसको और वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा तो ओके मतलब कार में विद फनी मीम्स बहुत हवा चल रही है यार आज बहुत हवा चल रही है में क्लाइमेट चेंज होने वाला है दोस्तों अब आने वाला है तूफान लग रहा है आ ही जाएगा रोज तूफान आता है मेरे ड्यूटी आने के और ब्लैक दिख रहा है बात कर रहे हैं हम लोग हैं ब्लैक गाइस अब हम लोग अब घर आ गए हैं और आपको मैं टाइम दिखाती हूँ कि रात के यहाँ पे कितने बजे हैं 11:10 हो रहा है और आराध्या अभी घर शॉपिंग करके आई है ग्रोसरी शॉपिंग तो ये रहा वो सारा कुछ सारा सामान जो हम आज लेके आए हैं और सारा कुछ मतलब पूजा से रिलेटेड है जो भी कल हमें ज़रूरत है जिन जिन चीज़ों की तो वही सब चीज़ें मेनली ज़्यादातर वही चीज़ें हैं तो अब ये सब आ गया है और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तो अब हम इसको निकाल के रखेंगे और सारा कुछ अपनी अपनी जगह पर मैं सोचा रख ही देती हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऐसे पॉलीथीन में नहीं छोड़ सकते हैं कुछ फ्रिज में रखना है कुछ ऐसे तो फिर हम आराध्या का हेल्प ले रहे थे थोड़ा सा मैंने बोला चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं फिर रख के फिर क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है सो गाइज आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।